चंडीगढ़ से बड़ी खबर के साथ राजभवन में राज्यपाल के विदाई समारोह का आयोजन हुआ। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हरियाणा राजभवन से त्रिपुरा के लिए फिर वो रवाना हो गए। सत्यदेव नारायण आर्य को नियुक्त किया गया था त्रिपुरा का राज्यपाल। जल्द ही बंडारू दत्तात्रेय संभालेंगे हरियाणा के राज्यपाल का पदभार, तो ये नई जिम्मेदारी बंडारू दत्तात्रेय के लिए। हरियाणा के राज्यपाल के पद पर वो आसीन होंगे, अपनी सेवाएं देंगे और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा राजभवन से फिर त्रिपुरा के लिए रवाना हो गए। दरअसल उन्हें त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था सत्यदेव नारायण आर्य को, और अब यहाँ जल्द ही बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा के राज्यपाल का पदभार दिया जाएगा। जल्द ही वो इस पदभार को संभालते नजर आएंगे। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, राजभवन में राज्यपाल के विदाई को लेकर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया। दरअसल सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा राजभवन से फिर त्रिपुरा के लिए रवाना हो गए, क्योंकि उन्हें त्रिपुरा के राज्यपाल का पद दिया गया है सत्यदेव नारायण आर्य को, और अब यहां हरियाणा के राज्यपाल का पदभार संभालेंगे बंडारू दत्तात्रेय। ओपी शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। ओपी, कैसा रहा है विदाई समारोह आयोजन और नई जिम्मेदारी के साथ नई चुनौती अभी इनके सामने होगी। हरियाणा के राज्यपाल का पदभार जल्द ही बंडारू दत्तात्रेय को सौंप दिया जाएगा। जब हरियाणा के जो राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं, इनको जो है त्रिपुरा में जो है वो नियुक्ति दी गई, तो ऐसे में एक ट्रेडिशन, एक रिचुअल होते हैं जिसके तहत उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारी सहित तमाम लोग जो होते हैं उनको विदाई देते हैं। और अभी जो खबर निकल के सामने आ रही है कि कल हरियाणा के जो नए नवनियुक्त राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं, वो 4:10 पर हरियाणा राज्यपाल भवन पहुंचेंगे और शपथ लेंगे। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जो मुख्य चीफ जस्टिस हैं वो उन्हें शपथ दिलाएंगे, तो तमाम तरह की तैयारियां वो भी चल रही हैं। और आज राज्यपाल को एक सम्मानपूर्ण तरीके से जो ट्रेडिशन होता है उसके आधार पर विदाई दी गई है। जी, और अब बंडारू दत्तात्रेय जल्द ही पदभार संभाल लेंगे हरियाणा के राज्यपाल का, इसके मद्देनजर अंदर खाने से किस तरह की खबरें? देखिए, बंडारू दत्तात्रेय कल शाम को 4:10 पर चंडीगढ़ राजभवन में जो है वो शपथ ग्रहण समारोह करेंगे। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वो उन्हें शपथ दिलाएंगे, और जो जितनी भी तैयारियां हैं वो फिलहाल जारी हैं, और उम्मीद की जा रही है कि हरियाणा का पूरा कैबिनेट और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो उनकी अगुवाई करेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया आपका ओपी शर्मा इस पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो राजभवन में राज्यपाल की विदाई समारोह का आयोजन किया गया। मौजूदा राज्यपाल हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका विदाई समारोह आयोजित हुआ। सत्यदेव नारायण आर्य दरअसल हरियाणा राजभवन से सीधा त्रिपुरा के लिए रवाना हो गए, क्योंकि उन्हें त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। अब ऐसे में जो पद यहां पर रिक्त हुआ उसे भरेंगे बंडारू दत्तात्रेय। कल 4:10 पर उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा राजभवन के अंदर। बड़ी खबर झज्जर से, किसान आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आया है। कांग्रेस के रिजेक्टेड लोगों ने यह आंदोलन किया। जेपी दलाल ने कहा है कि कांग्रेस से जिन लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया उन लोगों ने यह आंदोलन किया। लाल झंडे वालों ने देश को बदनाम करने के लिए आंदोलन चलाया है, किसानी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा वो कहते दिखे कि किसानी आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक आंदोलन बन चुका है, यानी कि किसानों का यह आंदोलन अब किसानों का नहीं रहा, यह राजनीतिक आंदोलन बन चुका है। सुमित कुमार हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ झज्जर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। सुमित, जेपी दलाल की तरफ से जो तमाम बातें कही गई, सीधे सीधे किस तरफ इशारा करती हुई,
वो तो कह रहे हैं कि अभी किसानों का आंदोलन बचा ही नहीं, ये तो राजनीतिक आंदोलन हो चुका है। आज आपको बता दें कि प्रदेश झज्जर जिले में आज जिला स्तरीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उसमें अपने रोहतक के लोकसभा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा भी पहुंचे थे और बाद में कृषि मंत्री जेपी दलाल है जो वो पहुंचे थे। जेपी दलाल ने अपने बयान में कानून व्यवस्था को लेकर भी एक बोला गया है जो किसान के हित में है और जो लोग लेकर आंदोलन कर रहे हैं वह किसान नहीं है, वो कांग्रेस के वर्कर बताया गया है और ये किसान नहीं है। किसान जो है अपने खेतों में ही काम कर रहे हैं, ये किसान नहीं है। और जो भी एमएसपी को लेकर भी बात कही गई है, एमएसपी जो है लगातार बढ़ाया गया है कृषि उसमें। और जो एक और बात इसमें जेपी दलाल ने वहाँ पे अपने पलटवार में भी एक बात कही है कि जो रिजेक्ट कांग्रेसी लोग हैं यही घुमा फिरा कर यही कर रहे हैं आंदोलन, और ये जो किसान जो है ये आंदोलन किसान नहीं कर रहे आंदोलन को और जो विरोध कर रहे हैं ये। लेकिन समेत ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर कृषि मंत्री जेपी दलाल ये जो बयान देते नजर आए हैं, जब वो इस आंदोलन को किसानों का आंदोलन मान ही नहीं रहे हैं, तो आखिरकार इसका समाधान वो कैसे निकाल पाएंगे? क्योंकि कई महीने हो चुके हैं इस आंदोलन को चलते हुए, इस आंदोलन की वजह से कई बार हिंसक तस्वीरें भी सामने आई है, अलग अलग स्थानों से इस तरह की खबरें सामने आई है, आखिरकार चाह क्या रही है सरकार? शिल्पा आपको बता दें कि जो कि कृषि जेपी मंत्री जो दलाल हैं उन्होंने अपने साफ तौर में बयान में ये साफ मना कर दिया कि ये किसान नहीं है, ये किसान के हित में नहीं है। और जो आंदोलन जो कर रहे हैं वो सारे कांग्रेसी प्री प्लान के तहत पार्टी के विपक्ष के जो नेता है वो पार्टी के वो कर रहे हैं और वो करवा रहे हैं। जो किसान है वो उनको ठीक भाव से हरदम एमएसपी हर उसमें बढ़ रहा है और वो एमएसपी का फायदा भी ले रहे हैं, लेकिन जो ये विपक्ष है ये इनको बौखला रहे हैं और ये जो है आंदोलन कर रहे हैं। सवाल तो फिर समित यही उठता है ना कि क्या विपक्ष पर सारा दोष मंड के सरकार पाक साफ इस सिचुएशन से बच सकती है, निकल सकती है बाहर? देखिए जो जेपी दलाल है हाँ। उन्होंने अपने बयान में एक मीडिया से रूबरू होते हुए भी एक यही बयान दिया है कि एक पल्ला झाड़ता से हाँ। नजर आए कि जेपी दलाल की भी जो विपक्ष है उन्हीं पर ही आरोप लगाते नजर आए सीधे सीधे, और जो किसान है उनको अपने एक साइड में कर दिया। लेकिन सिर्फ कह देने से क्या होगा? कृषि मंत्री है भाई जेपी दलाल, इतने बड़े पद पर हैं, तमाम किसान उम्मीद भरी निगाहों से उनको देखते हैं, जब किसान वर्ग ये बयान उनका सुनेगा तो क्या बीतेगी उसके मन पर? क्या सिर्फ विपक्ष पर दोष मंडकर अपने आप को इस सिचुएशन से बचाने की कोशिश जो जेपी दलाल की तरफ से की गई है उन्हें भारी ना पड़ जाए कहीं आगे आने वाले समय में? किसानों की नाराजगी को दूर करने की बजाय ये तो बढ़ाते जा रहे हैं इस तरह की बयानबाजियों के जरिए। कृषि मंत्री ने एक साथ में एक और मीडिया से रूबरू होते हुए एक बयान और दिया सिल्वा, आपको बता दें हाँ? साफ तौर पर ये और कहा है कि आंदोलन करना उनका हक है, वो अपना आंदोलन करे, लेकिन ये जो एमएसपी है और कृषि कानून ये जो आरोप लगा रहे कि तीन अध्यादेश है ये कतई वो कैंसिल नहीं होंगे, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है और जो आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन करते रहेंगे। चलिए ठीक है, अगर कहा जा रहा है कि ये तीनों नए कृषि कानून कैंसिल नहीं होंगे, लेकिन फिर इस आंदोलन को खत्म करने की तरफ कोई तो रास्ता, कोई तो समाधान इसका ढूंढा जाना चाहिए, इस पर वो क्या कहते हैं? फिर कब तक आखिरकार किसान इस तरह से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे रहेंगे? देखो लगातार नेताओं का भी बयान आया, डॉक्टर अरविंद शर्मा जो सांसद है उन्होंने अपने बयान में भी एक बयान कहा है कि जो भी है किसान जो है आकर बैठे बात करे हाँ। हम बात करने के लिए तैयार है, लेकिन ये बात नहीं करना चाहते, अपना विरोध करना चाहते हैं, लेकिन विरोध अपना विरोध कर सकते हैं, लेकिन विरोध करने का भी कोई वजह होती है, तो उसको लेकर भी इन्होंने नेताओं ने अपना बयान दिया तो एक साफ तौर पर मना कर दिया कि कानून तो जो है वो रद्द नहीं होंगे, इनको आज अपने बयान में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने साफ तौर से मना कर दिया। ठीक है, यानी कि पूरी तरह से किसान आंदोलन को वो राजनीतिक आंदोलन बताकर मामले से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में समेत इनकी मंशा को समझा जा सकता है कि समाधान ये चाहते ही नहीं है क्योंकि ये इस आंदोलन को किसानों का आंदोलन मानते ही नहीं है। जी शिल्पा, इसमें आप आज जो है जेपी दलाल ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, जो हम जो कर रहे हैं वो किसानों के हित में ही कर रहे हैं और जो जो पहले जो सरकार थी कांग्रेस की सरकार थी उससे लेकर ज्यादा ही हमने बढ़ोतरी की हर चीज को लेकर और एमएसपी को भी बढ़ाते रहे हैं और बढ़ाते रहेंगे, और जो
कृषि कानून है वो बिल्कुल ऐसे में वहाँ हरियाणा में फिर कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान सुनकर किसानों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आ पाई हो अब तक? जी शिल्पा, अभी अभी तक किसी किसान ने कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी है। बाकी जो है कार्यक्रम शुरू होने से पहले जो किसान जो है टिकरी बॉर्डर से भी और दासा बॉर्डर से भी किसान यहाँ पर जजर में पहुंचे थे, उन्होंने भी खूब जमकर नारेबाजी की थी, खूब विरोध किया था और नेताओं का विरोध किया था। यहाँ पुलिस प्रशासन ने उनको समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया है कि प्रोग्राम कैंसिल हो गया, लेकिन प्रशासन की तरफ से एक झूठा बयान। यानी कि सुमित, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि किसानों के बीच सरकार के बीच अभी ये युद्ध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लंबा चलने वाला है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुमित कुमार इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल की तरफ से ये बयान कि किसान आंदोलन तो ये है ही नहीं, ये तो एक राजनीतिक आंदोलन बन चुका है। और उन्होंने कहा है कि ये दरअसल विपक्षियों की साजिश है, कांग्रेस से जो रिजेक्टेड लोग हैं उन्होंने ये आंदोलन किया है, सरकार के खिलाफ साजिश बताई है, लाल झंडे वालों ने देश को बदनाम करने के लिए ये आंदोलन चलाया है, ये कहते दिखे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।